दोस्तों मुझे मालूम है कि आप पिक्सल ऐप का यूज यूट्यूब बैनर और थंबनेल बनाने के लिए यूज करते हो क्योंकि ये एक खास ऐप है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम बार बार एक ही फॉन्ट को यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा फॉन्ट और स्टाइलिश फॉन्ट नहीं होता है, बस इसी के द्वारा जो दिया गया फॉन्ट है बस हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी आप मेरे होम स्क्रीन में देख सकते हो कि मेरे पिक्सल में कितने सारे फॉन्ट है और आप भी अनलिमिटेड फॉन्ट को अपने पिक्सल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही होने वाला आज के टॉपिक में कि पिक्सल में कई सारे फॉन्ट को कैसे डाउनलोड करें। तो चलिए मैं शुरू करता इस वीडियो को। हाय दोस्त, मैं हूं पंकज, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीके टेक्निकल में। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो आपको पता है वो करना क्या, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबा देना क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स लाते रहता। तो दोस्तों ये रहा मेरा मोबाइल स्क्रीन और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको पिक्सल में फॉन्ट को कैसे इंस्टॉल करना। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या, यहाँ पे नेट ब्राउजर को ओपन कर लेना। नेट ब्राउजर को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको गूगल में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है द फॉन्ट, ऐसे करके द फॉन्ट आपको सर्च कर लेना है, कुछ इस प्रकार का आएगा। उसके बाद एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो दोस्तों आपको फर्स्ट वाले लिंक पे ही क्लिक कर देना है द फॉन्ट पे। जैसे आप उस पर क्लिक करते कुछ ऐसे यहाँ पे खुल जाता है इंटरफेस और आपको यहाँ पे ढेर सारे हजारों से प्लस दोस्तों जो फॉन्ट है वो देखने को मिलेंगे और आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ कि आपको डाउनलोड कौन सा करना है। तो दोस्तों मैं जूम जैसे ही करता हूँ, यहाँ पे गोथिक नाम का कुछ एक लेटर मिल रहा है, उसके नीचे आपको मिल रहा है मेडिवल, उसके नीचे आपको मिल रहा है मॉडर्न। तो दोस्तों आपको करना क्या, मॉडर्न में क्लिक करते यानी कि आपको ढेर सारे मॉडर्न जो फॉन्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, लाइक कुछ इस तरह का आप देख सकते हो कितना झकास फॉन्ट है। तो इसे डाउनलोड करके अपने पिक्सल में इंस्टॉल कैसे करना मैं जल्दी से बता देता हूँ। तो दोस्तों पहले मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कितने सारे फॉन्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप 33 तक क्लिक करते हो, 33 के बाद भी आपको देखने को मिलेंगे, मैं दिखाता हूँ। अब जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो मस्ट मैं फर्स्ट वाले पे ही चला जाता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि आपको डाउनलोड कैसे करना। ओके, तो सिंपली दोस्तों हर फॉन्ट के बगल में आपको डाउनलोड का आइकन देखने को मिल रहा होगा कुछ इस प्रकार का, तो आप सिंपली उस पर क्लिक करके फॉन्ट को पहले डाउनलोड कर लीजिए। लाइक मैं पहले ये फॉन्ट को डाउनलोड करता हूँ, वैम्पायर वॉर्स को। ओके, जो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट वाले के बगल जो डाउनलोड है मैं डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगा ऐसे लोडिंग लेगा, अब मैं डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। ये वैम्पायर वॉर्स डाउनलोड हो गया क्योंकि ये MB का नहीं है, KB का है, जो बहुत ही कम में होता है। और मैं दूसरे को भी डाउनलोड कर लेता हूँ, यहाँ पे बारियन ऐसे करके कुछ आ रहा है, तो मैं थर्ड वाले पे क्लिक करता हूँ और उसे भी डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड ये भी हो गया डाउनलोड। अब मैं दिखाता हूँ कि इसे इंस्टॉल कैसे किया जाता है पिक्सल लेब में। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर में जाना होगा। आप जैसे फाइल मैनेजर में जाते हो, उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे चलता हूँ डाउनलोड में, आपको भी जाना होगा डाउनलोड में। तो ये रहा हमारा डाउनलोड, मैं दिखा रहा हूँ ये रहा हमारा डाउनलोड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वही वाला फॉन्ट को ढूंढना है जो भी आपने हाल फिलहाल डाउनलोड किया था। ओके, तो मैं यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ ऐसे करके, मैं थोड़ा देख रहा हूँ ये वैम्पायर वॉर्स को जो भी हमने डाउनलोड किया था ये कुछ ऐसे रहा। तो हमको करना क्या है, सिंपली उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट हेयर का कुछ ऑप्शन मिल रहा है, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना होगा। इसका जो एक्सट्रैक्टिंग हो वो कम्प्लीट हो गया, ये बन के तैयार हो गया। उसके बाद एक और था दोस्तों, मैं दिखाता हूँ ये वाला इंटर कहाँ गया, मैं ऐसे करके आ रहा हूँ नीचे। मैं एक और फॉन्ट है दोस्त, सॉरी ये फॉन्ट नहीं है, मैं दूसरा फॉन्ट को दिखा दे रहा हूँ जो हमने को डाउनलोड किया था बारबियन ऐसे करके। तो मैं उस पर भी क्लिक करता हूँ और इसे एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। इसका भी एक्सट्रैक्टिंग क्या हो गया, फिनिश हो गया। फिनिश होने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, पिक्सल ऐप को डाउनलोड कर लेना। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, पिक्सल लैब को ओपन करना होगा। ओके, ओपन करने के बाद दोस्तों कोई भी लेटर यहाँ पे आप लिख लीजिए, पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इसके लिए PK टेक्निकल मैं लिख लिया हूँ। उसके बाद मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए छोड़िए, मैं कुछ गलत लिखा गया तो मैं फिर से लिख रहा हूँ PK टेक्निकल ऐसे करके। लिखने के बाद दोस्तों मैं ए पे क्लिक करूंगा, इसे बगल करूंगा और आपको फॉन्ट में मैं लेके चला जाता हूँ। फॉन्ट में जाने के बाद दोस्तों आपको माई फॉन्ट में जाना है। मेरे पास अभी सिर्फ एक ही फॉन्ट है, मैंने जो थंबनेल में बहुत सारे फॉन्ट को दिखाया था तो दोस्तों मैं सारे फॉन्ट को डिलीट कर दिया हूँ आपकी वजह से, ताकि आपको इजीली समझ में आए और मैं फिर से उसे वापस ला के दिखाऊँ कैसे ऐड करता हूँ, वह मैं करके दिखाता हूँ। ओके, दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे बगल में जूम नहीं हो रहा, मैं फिर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बगल में आपको फाइल मैनेजर का ऑप्शन मिल रहा होगा सबसे ऊपर, ओके, रिसेंट के नीचे बगल वाला, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको डाउनलोड में क्लिक करना होगा। उसके बाद जो हमने बारबियन था और एक था
दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ, एक था बारबियन था और एक था एक और फॉन्ट था, हमने दो फॉन्ट को डाउनलोड किया था, एक बारबियन था और एक था वैम्पायर्स, ये दोनों हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा मैं फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बगल में चला जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं बारबियंस पे क्लिक करता हूँ, ये रहा हमारा, फिर से मैं चलता हूँ ओके। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड में गया हूँ, ऐसे करके डाउनलोड में, और यहाँ पे बारबियन जो हमारा दिख रहा है मैं बारबियन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिर्फ सिंपली दिख रहा होगा ऐड डिक्शनरी, तो आपको सिंपली ऐड कर देना। ये देखिए बारबियन वाला जो हमारा फॉन्ट है वो आ गया, मैं दूसरे को भी ऐड कर लेता हूँ। फिर से मैं उस पर क्लिक करूंगा, फिर से मैं डाउनलोड में जाता हूँ और यहाँ पे नीचे नीचे करके जो हमारा दूसरा भी फॉन्ट था, क्या था हमारा फॉन्ट का नाम, मैं भूल रहा हूँ, जो हमारा फॉन्ट का नाम था वम्पायर्स, वम्पायर वर्ड्स पे क्लिक करता हूँ, एड डिक्शनरी पे क्लिक कर दे रहा हूँ। इसका फाइल नहीं बना है तो दोस्तों मैंने डिलीट कर दिया था, इसका वजह से इसका जो फाइल है वो नहीं बना है, तो वम्पायर्स वर्ड ले रहा हूँ मैं फिर से एड डिक्शनरी पर। ये देखिए हमारे फॉन्ट आ गए, तो आप किसी को भी सेलेक्ट करके इसे बना सकते। तो ये देखिए कितना स्टाइलिश लग रहा है यार देखने को। तो आप इस तरह जितने भी चाहते हो अनलिमिटेड फॉन्ट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अपने पिक्सल लेम में से रख सकते हो माई फॉन्ट पे, और अपने फॉन्ट को यहाँ पे सजा सकते हो। आप देख सकते हैं कितने अच्छे सारे फॉन्ट आपको मिल गई है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप अच्छे से इसे डाउनलोड कर लोगे। और हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे दो बगल में दो वीडियो आपको दिखाई दे रही होगी, तो आप वहाँ पे इजीली जाके क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना यार चैनल को, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।